हेलो जी, क्या हालचाल? सब कुछ चकाचक चल रहा है ना? आजकल तो यार डिस्काउंट वाला सीजन चल रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेज़न में रिपब्लिक डे सेल चल रही है। इस सेल में मोबाइल फोन में आपको कमाल का ऑफर देखने को मिलता है। और आपको ये भी पक्का पता होगा, 2023 में यार फोनों का जो प्राइस है ये मुझे ज्यादा लग रहा है। फोन का प्राइस और भी कम होना चाहिए। पहले मैंने वीडियो बनाया था बेस्ट फोन अंडर 15 के 20 के सेल के ऊपर। आज का जो वीडियो है ये है 25,000 रुपए वाला। यहां पर आपको सारे के सारे 5G वाले फोन देखने को मिलते हैं, धुरंधर फोन है। बस यार आप लोगों से एक चीज चाहूंगा, बहुत सारा लाइक, बहुत सारा शेयर, और चैनल में पहली बार पधारे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे ही निकल जाते हो। और यार दोनों वेबसाइट में जो बैंक के ऑफर है वो अलग अलग है, कहीं ना कहीं से कार्ड का जुगाड़ कर लेंगे, एक्स्ट्रा आपको यार ऑफर मिलेगा। सबसे पहला जो ब्रांड है वो है Redmi। Redmi वालों ने अभी अपने 3 फोन इंडिया में लॉन्च करे। एक है Redmi का Note 12, जिसका गिवअवे मेरे चैनल पे चल रहा है, फटाफट उस वीडियो को देखिए। और कुछ ऐसे वाहियात लोग हैं जो आपको कमेंट कर रिप्लाई करेंगे और ये कहेंगे आप जीत गए हैं गिवअवे, उनसे सतर्क रहिएगा। ऐसा कोई भी मैसेज मैं नहीं करूंगा, आप तो मुझसे बात करनी है। मेरा जो ट्विटर पेज है वहां पर जाइए, फॉलो कर लीजिए और कमेंट करिए, हो सकता है यार आपको मैं फटाफट रिप्लाई कर दूं। और जो दूसरा फोन है वो है Redmi का Note 12 Pro, तीसरा है Redmi का Note 12 Pro Plus। वहां पर 200 मेगापिक्सल का यार आपको कैमरा मिल जाता है और साथ में 120 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है। लेकिन उस फोन का जो प्राइस है वो 25,000 रुपए से ज्यादा है। बैंक ऑफर लगा के यार आपको Redmi का Note 12 Pro मिल जाता है यार 25,000 रुपए के अंदर। देखिए यहां पर आपको जो डिस्प्ले मिल रही है वो काफी कमाल की है, 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल। आउटडोर की जो विजिबिलिटी है ये है 900 निट की। डॉल्बी विजन है, डॉल्बी एटमॉस है, डिस्प्ले बड़ी ही क्रिस्पी है, क्लीन है, मतलब डिस्प्ले में आप इस फोन को फेल नहीं कर सकते हैं। बॉक्सी वाला डिजाइन है, बैक में पॉली कार्डमेट का ही मटेरियल मिलता है। मेरे हिसाब से यार आप कोई भी फोन बाय करें सबसे पहले बैक कवर होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में फोन गिरा टूटा घिसा तो यार काफी ज्यादा पैसा लग सकता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेसर है ये भी काफी कमाल का है, MediaTek का Dimensity 1080, और यही सेम प्रोसेसर आपको Redmi के Note 12 Pro Plus में मिलता है, और साथ में Realme के 10 Pro Plus में भी यही प्रोसेसर दिया गया है। यार 5G वाला प्रोसेसर है, बिंदास 5G वाले सिम कार्ड काम करेंगे। गेमिंग आपको करनी है उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 67W का जो चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर मिल रहा है, बैक में 50 MP का ट्रिपल कैमरा है। और यहाँ पर जो 50 MP वाला सेंसर है वो है सोनी का IMX766, यही सेंसर आपको Realme के 9 Pro Plus में भी मिलता है। तो भाई आपको Xiaomi का फोन लेना है आप इस वाले फोन की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो आपके पास पुराना वाला Xiaomi 11i है। इस फोन में जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है वो है MediaTek का Dimensity 920, पीछे एक तरफ 108 MP का ट्रिपल कैमरा है। और कैमरे को यार मैं एवरेज कहूंगा, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, 120Hz का AMOLED डिस्प्ले, बैक में ग्लास मिल जाता है, 5180mAh की बैटरी है, 67W का चार्जर इस फोन में मिल रहा है। और आपके पास ज्यादा पैसा है, आप अपने फोन को फटाफट चार्ज करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हाइपर चार्ज में, क्योंकि वहां पर जो चार्जर है वो है 120W का। Redmi का K50i भी अमेज़न में अंडर 25 के आता है। यहां पर जो प्रोसेसर है वो है MediaTek का Dimensity 8100। आपको गेमिंग के लिए फोन लेना है आप इस प्रोसेसर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर सीधे सीधे टक्कर देता है स्नैपड्रैगन के 870 को। आगे की तरफ 144Hz का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, भाई AMOLED का यूज नहीं किया गया है। और जो 67W का चार्जर है वो भी आपको बॉक्स के अंदर मिल रहा है। डिस्प्ले में यार डॉल्बी विजन है, डॉल्बी एटमॉस है, बिल्ड क्वालिटी भी आपको निराश नहीं करेगी। मैंने Redmi की तरफ से आपको 3 फोन बता दिए, जो फोन आपको पसंद आ रहा हो डिस्काउंट मिले आप उस फोन की तरफ जा सकते हैं। Nothing Phone 1 अब तो यार प्राइस ड्रॉप होते होते अंडर 25 के आ चुका है। यहां पर जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 778G प्लस, प्रोसेसर के हिसाब से बड़ा कमाल का फोन है। अपडेट भी आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे, एक भी इधर उधर वाली एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल क्लीन UI है। और जो डिजाइन है
ये भी इस फोन को अलग बनाता है। बैक में लाइट वेट लगी है, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है, बट आउटडोर की जो विजिबिलिटी है ये थोड़ी सी ज्यादा होती और अच्छा लग जाता। बॉक्स के अंदर कोई भी चार्जर नहीं है, आपको अलग से यार चार्जर बाय करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से नथिंग वालों ने यार इस फोन में बेहतरीन चीजें दी है, लेकिन अभी ये ब्रांड नया नया है, पनप रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा आगे ये कितना गुल खिलाते हैं। जो अगला ब्रांड है वो है Realme। Realme का 10 Pro Plus में आप जा सकते हैं। देखिए इस फोन में Snapdragon का नहीं, MediaTek का Dimensity 1080 वाला प्रोसेसर है। प्रोसेसर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, काफी बिंदास है, लेकिन इस फोन का जो हाईलाइटिंग फीचर है वो है डिस्प्ले। कर्व डिस्प्ले में आपको इस प्राइस ब्रैकेट में दूसरा फोन नहीं मिलता है। 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल, क्या डिजाइन है यार, बहुत ही हल्का फुल्का वाला फोन है। केवल 173 ग्राम का बैटरी को यार हल्का नहीं किया गया है, 5000 एमएच की बैटरी मिल जाती है। बैक में 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है। कैमरे की जो क्वालिटी है ये भी आपको कमाल की लगेगी। इसका जो डिटेल वीडियो है ये आपको मेरे चैनल में देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आप यार Realme के 10 Pro Plus में जा सकते हैं। अब यार जिनको Samsung का फोन लेना है, Samsung का Galaxy M52 बहुत बार 20,000 के आसपास आया था। Snapdragon का 778G वाला प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, लेकिन बैक में यार प्लास्टिक का ही आपको मटेरियल देखने को मिलता है। आपको मिल जाए Samsung का Galaxy F52, आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। IQ का Neo 6 VR आपको बैंक ऑफर लगा के आज की डेट में 25,000 रुपए के आसपास पड़ सकता है। यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है Snapdragon का 870, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले, 4700 mAh की बैटरी, बैक में यार 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा। कैमरे की जो क्वालिटी है ये भी आपको निराश नहीं करेगी। IQ वाले धीरे धीरे करके बहुत सारे फोन इंडिया में लॉन्च करते जा रहे हैं। वैसे इस ब्रांड के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब बात करते हैं मोटो की। मोटो की जो खास बात है वो है सॉफ्टवेयर। जितने भी फोन ये लॉन्च कर रहे हैं ना, सब में आपको एक भी इधर उधर वाली एप्लीकेशन नहीं देखने को मिलती है। बिल्कुल स्वच्छ यूआई है, बिल्कुल क्लीन है। मोटो के साथ साथ यार माइक्रो मैक्स भी ऐसा काम करता था, वो सो चुका है। जागेगा कि नहीं जागेगा ये तो नहीं पता है। मोटो का यार आप S30 ले सकते हैं। स्नैपड्रैगन का 778G प्लस वाला प्रोसेसर है। यही प्रोसेसर नथिंग फोन 1 में मिलता है, लेकिन यार इस वाले फोन में जो बैटरी है ना ये बहुत ही छोटी है, 4020 mAh की। हो सकता है दिन भर में आपको 2 बार चार्ज करना पड़ जाए। प्रोसेसर अच्छा है, 144 हर्ट्ज का OLED डिस्प्ले मिल जाता है। फोन का जो डिजाइन है ये भी आपको प्यारा लगेगा। बैक में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है, और यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला भी सेंसर मिलता है। जैसे नथिंग फोन 1 में भी आपको 50 मेगापिक्सल का डबल कैमरा मिल रहा था ना, कोई भी गिमिक सेंसर नहीं था। तो आप इस फोन में जा सकते हैं, बस यार बैटरी के बारे में सोच लीजिएगा। मोटो का S20 Pro पहले यार स्टॉक में था, अब तो ऐसा लग रहा है गायब हो चुका है। लेकिन ये फोन महंगा लॉन्च हुआ था, सस्ते में मिल रहा है। स्नैपड्रैगन का 870 वाला प्रोसेसर, बैक में जो कैमरा है उसका जो मेन सेंसर है वो है 108 मेगापिक्सल का, 144 हर्ट्ज का यार आपको वही OLED डिस्प्ले मिल जाता है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार तूने OnePlus की बात नहीं करी है, OnePlus का Nord CE2 पता नहीं यार कहां गायब हो चुका है। लेकिन ये फोन आपको यार 25,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। इससे अच्छा तो यार आप OnePlus के Nord 2T में जाइए, थोड़ा सा बजट बढ़ा के। यहां पर वही MediaTek का Dimensity 900 वाला प्रोसेसर मिलता है, बहुत ही पावरफुल वाला प्रोसेसर नहीं है। सेम प्रोसेसर आपको सस्ते रेट में Infinix के 05G में मिलता है। बैक में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है। कैमरे की जो क्वालिटी है ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। 90 हर्ट्ज का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है, और फोन की जो बॉडी है ये बहुत ज्यादा चमकती है, आपके हाथ की उंगलियां भी छपेगी, और साथ में स्क्रैच भी आ सकता है क्योंकि जो मटेरियल है वो है पॉली कार्डबोर्ड वाला। 4500 के आगे OnePlus वाले नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपकी जिद है OnePlus लेने की, वो भी 25K के अंदर, आप जा सकते हैं OnePlus के Nord CE2 की तरफ। जो फोन मुझे बिंदास लग रहे थे सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
बस यार जाते आते यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए और चैनल पे बने रहिएगा। बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।